प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद हुए भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर लीलापुर पुलिस चौकी के पास बीती रात लगभग 2 बजे ट्रक और स्कॉर्पियो में हुई जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लीलापुर चौकी इंचार्ज बीडी राय ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और हादसे का शिकार हुए 3 मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि स्कॉर्पियो में प्रयागराज जनपद के सराय ममरेश थाना क्षेत्र के बजती नेदुला गांव के 5 लोग सवार थे, जिसमें चंद्रिका प्रसाद यादव, कपिल देव यादव और सुरेश चंद्र यादव की मौत हो गई, जबकि जयप्रकाश यादव और अनुग्रह नारायण यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी भीषण हुई थी। प्रतापगढ़ की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना न भूलें।